हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है भक्त हूं मैं रैप सॉन्ग। आई एम अ डिवोटी, भक्त हूं मैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं और मजे करेंगे ये वीडियो। मुझे लग रहा है, अब मुझे ये नहीं पता ये भक्त कौन से वे से बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो है भगवान के भक्त, ओके, और एक हमें कई बार वीडियोज में लोग बोलते हैं आप मोदी भक्त हो। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन से वाले हैं, तो देखते हैं, पता करते हैं। यूजेज की टर्मिनोलॉजी, भक्त तो आपसे भगवान के ही हो सकते हैं, और किसी के भक्त हो नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त हूँ मैं, हर आकार निराकार का ये संसार का और विशाल ब्रह्मांड का। तू आज भी गुलाम हो, मैं आजादी का भक्त जो साथ लेके चले सको उसका सेवा। नहीं समुदाय कोई न विचारधारा मेरी, जहाँ जीवन का विकास हो मैं उसका हूँ प्रेमी, रहूं ऋणी अपने महान गुरु और संतों का। भक्ति में डूबे जो प्राणी वो मुक्त होगा, खुद को छोड़ पीछे करना है समर्पण। ये जीवन आभारी उनका याद रहे हर पल। अंध भक्त नहीं सत्य का भक्त मैं, गद्दारों के लिए थोड़ा सख्त मैं, भारत माता का सेवक देशभक्त, भारती की रगों में अवतर रेत बेहतर रक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्ति में शक्ति इस बात का प्रतीक हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्ति में शक्ति इस बात का प्रतीक हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त हूँ मैं, भक्त मैं देश का अपनी धरती माता जो करती हर जीव के लिए जीवन साकार। भक्त मैं सबका जिन्होंने दी है जान इस देश की आजादी में, वो सब है महान है। ये भक्तों की भूमि अपना हिंदुस्तान, पर क्यों आज भी लोग हैं इस बात से अनजान। जो ना भक्ति को जाने वो करे अपमान, तभी कितने यहाँ विदेशी सोच के गुनाह। देखे भक्ति में सबको हमेशा भगवान, रामा कृष्ण परमहंस या वीर हनुमान। होना भक्त क्यों लगे इन्हें ना बुद्धिमान, जब इस देश में थे रामानुजन जैसे विद्वान। चाहे खेल या संगीत या फिर कोई भी काम, होगा भक्ति से तो फिर सफल होंगे परिणाम। पर ये भक्तों की छवि को ही करे बदनाम, या फिर होता क्या है भक्त ना इन्हें पहचान। क्योंकि भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ। जमीन में हूँ, अंबर में भी हूँ, पत्थर में मौजूद और झरनों में रहूँ, खुद में तो हूँ और तुझ में भी हूँ, भक्त हूँ मैं और भगवान भी हूँ, हाँ भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ भक्त, भक्त हूँ मैं, भक्त हूँ मैं, हाँ। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा था रैप सॉन्ग में, उन्होंने इतना कुछ बोल डाला, मजा आ गया। तो मैं तो देख रही थी, हर एंगल से मुझे लग रहा था हर टाइप से उन्होंने भक्त बोला है। मुझे पहले लगा कई लाइंस में लगा कि मैं भक्त हूँ अपने देश का, फिर उन्होंने जब भगवान जी की मूर्तियां और वो सब दिखाई तो भक्त हूँ मैं अपने भगवान का, अपनी हिंदुज्म का, अपने रिलीजन का, अपने वो जो हमारे सेंट्स हैं और जो हमारे इतने बड़े बड़े देशभक्त थे उनका मैं भक्त हूँ। तो मैं उन सब का भक्त हूँ जो देश को आगे बढ़ाते हैं, जो देश के हित में काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, मैं उनका भी भक्त हूँ मैं। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो गॉड है वो मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। तो बहुत कुछ उन्होंने इसमें बताया, मतलब एक गाने के अंदर
जो भी मेन चीजें लाइफ में अगर आप उनको अमल करो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे वो उन्होंने बताई है, और जो लोग बेकार की दूसरी बातें करते हैं उन सबको ये वीडियो देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा बनाया था जिस तरह से वो दिखा रहे थे, इवन वीडियो जो बनाया उन्होंने, गाना तो अमेजिंग था, रैप तो बहुत ही अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, पर जिस तरह से वीडियो भी बना के उन्होंने दिखाया ना, वो भी वीडियो भी बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा था, जिसमें उन्होंने सारा योगा भी करते हुए दिखाया। एक योगा के में तो हस्बैंड बोलने लगे मिरर है, जबकि वो एक्चुअली में अपने बॉडी को ट्विस्ट करके उस टाइप से उन्होंने किया। मैं तो मिरर के साथ कर सकता हूँ, मतलब पीछे लगा के मिरर ऐसे दिखा सकते हैं, और वैसे जैसे एक टांग ऊपर गई थी, मतलब जो भी तरीके हैं मिरर से भी इल्यूजन क्रिएट किए जा सकते हैं। पर मुझे तो लगा ये योगा से उन्होंने जो भी उन्होंने किया, मगर जो भी मैं कहूंगा कि उन्होंने खुद जो स्टंट किए वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि खुद उन्होंने स्टंट किए, जो भी फाइटिंग कैसे थे और जो भी एक्सरसाइजेस किए हैं, और एक तरफ दिखा रहे थे धोती पहन के, वो बंदा मुझे कोई और लग रहा था, जो स्टंट वाला बंदा कोई और लग रहा था, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या चल रहा है, मगर जिसने भी स्टंट किए थे अपनी मेहनत से किए थे, दैट वॉज वेरी नाइस। योगा भी अपनी मेहनत से किया था, वेरी नाइस, और देशभक्त भी कह लीजिए उसमें आपको रामाकृष्णा भी नजर आए थे, और साथ में स्वामी विवेकानंदा भी, और उनके जो टीचर थे वो रामाकृष्णा जी, तो बहुत ही अच्छा था। और मतलब और उसमें हनुमान जी भी, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तो बहुत मतलब बेसिकली उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ भारत माता का भक्त हूँ, देशभक्त हूँ, तो देशभक्ति की बात थी, तो देशभक्ति अच्छी बात है, देशभक्ति वेरी नाइस सॉन्ग उन्होंने आइडियाज लगाओ। ये भी कहा कि मैं सच्चे गुरु का भक्त हूँ, वो भी अच्छी बात है, बहुत लोग होते हैं जो गुरुओं को ऐसे ही फॉलो करते रहते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो गुरु इट्सेल्फ में ही गुरु होने के लायक नहीं है। कितने सारे बड़े बड़े गुरुओं ने गलत काम किए हैं, बाद में पकड़े गए थे वो, फिर जेल उनको हुई है, उनकी फॉलोइंग कितनी थी, करोड़ों की, करोड़ों बंदा उनको फॉलो कर रहा है, मतलब बिना सोचे समझे, और वो बंदा जो है मतलब बुरे काम करता है, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, मतलब कितनी नॉर्मली यही होता है कि जब भी आप कोई गुरु देखें तो वही हो जो सेल्फलेस गुरु हो। सेल्फलेस गुरु होना बहुत मुश्किल होता है। कुछ गुरु अमीर होते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप अमीर हो तो सेल्फलेस कैसे हो, राइट? इसीलिए मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जो गुरु देखे हैं उन्हीं को गुरु को मैंने थोड़ा बहुत बोला कि चलिए ये लर्नड इंसान है जो सेल्फलेस है, जिनका खुद की लिविंग देखिए कि वो साधारण लिविंग है, और उनकी साधारण लिविंग है, साफ पता रहता है कि ये अमीर नहीं है, साफ है, तो वो सेल्फलेस गुरु हैं। मगर अगर आपको कोई गुरु दिखता है जो बहुत ही अमीर है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, तो वो सेल्फलेस कैसे हो गया, ये मेरा अपना सोचना है, आप अपना सोचना बताइए, बट गुरु सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस गुरु कभी भी नहीं हो सकता, वो हमेशा मेडिटेट करेगा, वो भी साधु की तरह जिंदगी जिएगा, साधारण इंसान की तरह, मगर उसमें इतनी शक्ति होगी कि आपसे बात करेगा तो आपको लगेगा अरे वाह, आपको टच करेगा तो आपको लगेगा वाह, मगर होगा साधारण। और ऐसे गुरु आजकल होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, आप सर्च करिए, ऐसे गुरु हैं डेफिनेटली हैं जो साधारण हैं, लोगों को सब उन्हीं का पता है, गुरुओं का, जो बहुत अमीर हैं, जो लाइफ में मजे कर रहे हैं, एयरप्लेनों में जा रहे हैं, मैं उनको गुरु नहीं मानता। मैं सेल्फलेस कर्मा वाला जो इंसान होता है उसके पास कभी पैसा इकट्ठा हो ही नहीं सकता। तो काफी अच्छा वीडियो था गाइस। यस फ्रेंड्स, और शुरू ही बहुत अच्छा किया था, शुरुआत भी बहुत सुंदर थी, जैसे उन्होंने दिखाया पेड़ के साथ थे, और फिर वो ऐसे दिखाया पेड़ में, पेड़ को कट किया और फिर उनको दिखाया, वो मैंने कहा ये क्या अच्छे बनाया है। हाँ, मतलब बहुत आर्टिस्टिक वे से जो है ना उन्होंने ये गाना और ये वीडियो बनाया, मजा आया सुनने में। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में लिखना आपके क्या थॉट्स हैं और आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसको देख के अलग अलग मतलब बहुत एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स से आप सोच सकते हो, क्या आपका पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, तो मजा आ गया सुनने में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।